अपडेट कर रहे हैं आपको सियालकोट से, जहां पर रेस्क्यू 1122 ने ईद उल अजहा का प्लान तैयार कर लिया है। मसाजिद और ईदगाहों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू अहलकार हर वक्त तैयार होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा कि ईद उल अजहा के हवाले से रेस्क्यूअर्स ने क्या तैयारियां की हैं। जी बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हदायत के मुताबिक ईद उल अजहा का प्लान जारी कर दिया गया है और प्लान के मुताबिक रेस्क्यूअर्स तमाम बड़ी मसाजिद और ईदगाहों को इमरजेंसी मेडिकल कवर मुहैया करेंगे। मानसून के हवाले से भी प्लान जारी कर दिया गया है ताकि सलाबी सूरत हाल से भी बरवक्त निपटा जा सके। इसके साथ ही मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज़िले इंतज़ामिया से तामुन करें ताकि बरवक्त जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाया जा सके और कोरोना SOPs पर अमल करते हुए ईद मनाएँ। मेरी अवामुन्नास से एक और इल्तमास है कि रेस्क्यू 1122 को एमरजेंसी की सूरत में कॉल करें और बिला वजह एमरजेंसी लाइन को मसरूफ़ ना करें ताकि किसी एमरजेंसी में मुबतला शख्स को बर वक्त मदद मिल सके। मेरी तरफ़ से और तमाम रेस्क्यूअर्स की तरफ से अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया नवीद इकबाल आगाह करने के लिए। खबर दे रहे थे आपको सियालकोट से, जहां पर रेस्क्यू 1122 ने ईद उल अजहा का प्लान तैयार कर लिया है।